न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MNS News TV, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। हैदराबाद में दिवाली से पहले बड़ा हादसा, मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, गाजा स्कूल शेल्टर पर इजरायली हवाई हमले। हैदराबाद में दिवाली से पहले बड़ा हादसा, दिवाली से पहले एक पटाखे की दुकान में आग लगने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पटाखे की दुकान में काफी भीड़ है, अचानक उसमें आग लग गई और पटाखे बम की ओर फूटने लगे। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और पूरी तरह दुकान आग की चपेट में आ गई। यह घटना हैदराबाद के सुल्तान बाजार इलाके में हुई। आई बढ़ते लिए खबर क्या, MP के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा। MP के छतरपुर में बड़ा हादसा हो गया, एक स्लीपर बस खाई में गिर गई। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई और 20 यात्री घायल हो गए। झांसी खजुराहो फोर लेन नेशनल हाईवे 39 पर रीवा से ग्वालियर जा रही स्लीपर बस डंपर से टकराई, खाई में गिर गई। हादसा बागेश्वर धामगंज तिराहा पर हुआ। हादसे में सैनिक स्कूल रीवा के एक छात्र की मौत हो गई। आई बढ़ती हुई खबर क्या, गाजा स्कूल शेल्टर पर इजरायली हवाई हमले। गाजा सिटी के पश्चिम में अल शांति शरणार्थी शिविर में एक स्कूल पर किए गए इजरायली हवाई हमले में 9 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 3 पत्रकार भी शामिल हैं। यह स्कूल विस्थापित लोगों को आश्रय दे रहा था। स्थानीय सूत्रों बताया कि इजरायली विमान ने असमा स्कूल पर एक मिसाइल से हमला किया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर देखते हैं, आप यूट्यूब फ्लैट भी दे सकते हैं। अब वक्त हो दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया तमाम खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS News। आप देख रहे हैं MNS News, सच जरूर।